तो गाइज यहाँ पे ओप्पो ने कंफर्म कर दिया था अपने लॉन्च इवेंट में, जहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था अपने 30 वाट और 65 वाट की फास्ट चार्जिंग, वहाँ पे बताया था कि ओप्पो K5 स्मार्टफोन आने वाला और यहाँ पे इसका वाइबो के ऊपर पूरा स्पेसिफिकेशन लीक हो चुका है। तो गाइज इस वीडियो में बात करेंगे इसी ओप्पो K5 के पूरे स्पेसिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे इसके लॉन्च डेट के साथ ही प्राइसिंग के साथ ही सारे फीचर्स के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक, काफी मजा आने वाला है आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोज में आपसे वीकली डेली अपलोड करता। तो आइए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात करें फोन की डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक ग्लास वाली बैक, जहाँ पे आपको ग्लॉसी ग्रेडिएंट का फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड का स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जो की अगेन काफी अच्छा डिस्प्ले होने वाला था। यहाँ पे आपको कलर सैचुरेशन लेवल काफी अच्छा मिलने वाला है, और प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। और इनफैक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स का, जो कि वाकई में काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो गाइस यहां पे आपको मिलेगा सेम प्रोसेसर जो कि realme के ST730G वाले वर्जन में मिले, मतलब कि गाइस यहां पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर, जो कि अगेन काफी पावरफुल चिपसेट है, जो कि बेस्ड है 8nm टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। तो गेमिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये तो गाइस गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि यहां पे जो प्रोसेसर है काफी ज्यादा पावरफुल है, और आपको यही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 730G वाला realme XT में, मतलब कि ये फोन जो होने वाला ओप्पो का K5, ये एक रीब्रांडेड वर्जन होने वाला हमारे realme XT 730G वाले वर्जन का। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही आपको स्पेक्स देखने को मिलेंगे, थोड़े मिलते जुलते स्पेक्स देखने को मिलेंगे हमारे realme XT से गाइज। तो फटाफट से बात कर लेते हैं यहाँ पे फोन के कैमरास के बारे में, तो गाइज ये फोन भी कैमरा सेंट्रिक होने वाला है, क्योंकि आपको मिल जाता है क्वाड कैमरा, जहाँ पे 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है आपको, यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। सेल्फी की बात करें तो गाइस यहां पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है। फटाफट से बात कर लेते हैं फोन के बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाता है 4000 mAh की बैटरी, जो कि गाइस आपको देखने को मिलेगी 30 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। जी हां गाइस, आपको यहां पे मिलेगा सुपर वूक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट, जो कि देगा आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग, मतलब कि 13 मिनट में गाइस आपका फोन चार्ज होने वाला 60%, जो कि काफी अच्छी बात है। और बात करें इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये आने वाला है एंड्रॉइड 9 पाई और आपको मिलेगा कलर OS 6 पे। तो बस गाइस ये थे कुछ इनका कंफर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करने लगा। लेकिन फाइनली बात करें फोन के प्राइसिंग के बारे में, तो गाइस ये जो फोन है लॉन्च होने वाला है 17 से 1800 yuan के अंदर चाइना के अंदर, मतलब कि इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करें तो 17 से 18 हजार रुपए के प्राइस रेंज के आसपास ही ये लॉन्च होने वाला है। और रही बात लॉन्च डेट की, तो ये चाइना में लॉन्च होने वाला अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो आपको ठीक एक महीने के बाद आपको इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा, मतलब कि नवंबर के महीने में आपको ये फोन देखने को मिल सकता है। तो बस गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस में आप सभी के लिए डेली अपलोड करते रहता हूँ। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक लेट टेक केयर, गुड बाय।